Assalamu alaikum. Right now we are here at we buy car at the North Gate. ये कार मेला है यहाँ पर. पुरानी कार, ओल्ड कार, यूज कार, बाइंग एंड सेलिंग. चलिए अंदर जाकर देखते हैं यहाँ पर कैसा माहौल है, क्या है, कैसे है. एट जोहान्सबर्ग, दिस इज द एंट्रेंस. ये ये जो नजर आ रही है सारी की सारी सेकंड हैंड कार है. दिस इज द डाउनस्टेयर्स हियर. More car upstairs. You can see right round here. चलिए नीचे चल करके देखते हैं कैसा है. सुपर, एक से बढ़कर एक. आपके बजट में जैसी चाहे ऐसी कार आप यहां से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं भी. हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? I'm okay, myself. Okay, all right. Can I help? No, they are busy there. Oh, someone is already helping. I'm entering all the car, new models. All the way from India, only to visit South Africa, a beautiful country here. Really? Yes. And so far? Very good, very good. I like it. So many countries I have visited so far, but yeah, South Africa, very good. Hey man, if you're enjoying it, we're happy that you're enjoying South Africa. And how are you loving our facility here? Very good, very good. Best car, what you call it, the car sale I have seen in my life. Hey, we buy car. Yeah, you know we have over 1,200 cars on the floor. Eh? Or is it 1,200 cars here? Yes. In one dorm? In one dorm. Yes. How many branches all over in South Africa we buy car? I think so far we have 11. 11? Yeah. And right, so far we are selling around 11,000 cars a month. Yeah. Doing roughly 400 cars a day. Right. Yeah. In very this good branch we do around 65 cars a day. Oh, 65 cars a day. Yeah. Right, very good. Yeah. But I really enjoy it and very happy to see this in my life, the car dorm like this. Well, I'm glad that you enjoy. God bless it. You. I'm glad. Okay. Each and every car जो चाहिए वो Toyota, Ford, this is our Quid. Thank you.
देखिए ये गाड़ी है, ये कंट्रीमैन, राइट। अब इसमें वी बाई कार में बेनिफिट क्या है कि अगर यहाँ पर सिस्टम क्या है कि ये जितनी भी कार है, सारी की सारी कार जो आप देख रहे हैं, ये सब कार सेकंड हैंड है। अब इसमें हर कार के ऊपर यहाँ सेल के लिए रखा हुआ है, तो ये स्टिकर लगा हुआ है बराबर। अब इसमें ये जो है 2013 मिनी कूपर, कंट्रीमैन कूपर एंड कंट्रीमैन, ये कार का कंपनी नेम है। 2013 का मॉडल है। इसकी कीमत है 1,50,900 रैन, यानी इंडिया के हिसाब से करीब 7 लाख के करीब। इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1,165,000। ये कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इसकी ब्यूटी ये है कि यहाँ पर ये स्कैनर लगा हुआ है। अब इसके ऊपर आप स्कैन करेंगे तो इसकी सारी बायोडाटा सामने आ जाएगी, और इस कार में क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको पहले से बता दिया जाएगा। जैसे आप कार यहाँ सेल करोगे वैसे ही कार यहाँ से बेच दी जाएगी, इसमें ये लोग कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे ये स्कैन है, और ये इस कार के ऊपर फाइनेंस है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है रेन 2,783 पर मंथ, ये कार के ऊपर फाइनेंस है। ये अना भाई स्कैन करनी, ये स्कैनर है तारा फोन पे स्कैन करा माँ, ये स्कैनर है। पर इसके ऊपर स्कैन करेंगे तो इसका पूरा बायोडाटा सामने आएगा। अभी आई नो फुल रिपोर्ट से क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंजन ऑयल लीक है, साइलेंसर से कुछ लीकेज है, और इंजन में स्मोक, इंजन से स्मोक ज़्यादा निकल रहा है। और ऑल चार टायर, सब चार टायर बदलने पड़ेंगे। चार टायर फ्लैट है और ये दो तीन प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर स्कैन करोगे तो ये गाड़ी का पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। और ये जो है ये 2783 इस कार के ऊपर जो है ये लोन है, यानी इसके ऊपर ये पर मंथ 2783 है। और जिस कार में ये इंस्टॉलमेंट नहीं होता है उसमें ये ब्लैंक होता है। जैसे आप देख, जैसे यहाँ पे ये कार है, इसकी कीमत है 1,44,900, 2012 का मॉडल है, यहाँ ब्लैंक है, यानी इस कार के ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, स्ट्रेट प्राइस। This is the key room here. Everything is well organized. Second and two wheelers also, motorcycle. मॉडल 2,19,000, यानी 2,20,000 रैन, समझो 9 लाख रुपए। हार्ली डेविडसन, BMW, एक 1,60,000 रुपये। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहां आप अगर आप आ गए तो कम पैसों में आप अपने शौक, बहुत सारे शौक पूरा कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में लगभग इम्पॉसिबल है। वैसे कहीं तुम्हारे शौक यहाँ साउथ अफ्रीका में अगर आप हो गए, आ गए, सेटल हो गए, तो यहाँ पर रह कर के आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। ये अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल खुसूसी साउथ अफ्रीका के ऊपर है। ये वो कंट्री है कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइज, पूरे वर्ल्ड में कई लोगों की ज़रूरतें साउथ अफ्रीका से पूरी होती है, जिनमें ख़ासकर गरीब आवाम की और मसाजिद मदारिस लाइन से
जो ज़रूरतें साउथ अफ्रीका से पूरी होती है, ये उन्हीं सखावत और उन्हीं खैरात की बरकत का नतीजा है कि ये देश अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है। और खुसूसी तौर पर यहाँ साउथ अफ्रीका का दस्तरखान, मैं नहीं मानता कि दुनिया का कोई, वर्ल्ड का कोई और दस्तरखान साउथ अफ्रीका के दस्तरखान को बीट कर सके, और उसके साथ यहाँ की मेहमान नवाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमेशा इस मुल्क को आबाद रखे और मुल्क में रहने वाले तमाम को आफियत के साथ खुश खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम। Thank you for visiting.